किसान ने चोरों के डर से छिपा कर रखे 41,000 रुपए टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ गए। आगरा में किसान दंपति ने चोरों के डर से 41,000 रुपए कलम में छिपा कर रखे, लेकिन उसकी सावधानी पर एक छोटी सी चूक भारी पड़ गई। उसकी आंखों के सामने सारे नोट टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ गए। जमा पूंजी को बर्बाद होता देख किसान दंपति की आंखों से आंसू छलक आए। बरहन क्षेत्र के गांव नगला हरदासी में गुरुवार को 2,500 के नोटों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। यह देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। बाद में पता चला कि यह रकम गांव के किसान राजकुमार उर्फ काला की है, जो चोरों के डर से करब में छिपा कर रखी थी। दरअसल राजकुमार उर्फ काला अपने ताऊ रमेश चंद्र के खाली पड़े प्लॉट में रहकर पशुओं का पालन करता है। बुधवार को कालाहाट में 41,550 रुपए में अपनी भैंस बेच कर आया था। चोरों के डर से उसने पत्नी अनीता के साथ बुधवार शाम को 41,550 रुपए करब में छिपा कर रख दिए। करब के साथ टुकड़े टुकड़े हुई रकम। गुरुवार दोपहर को राजकुमार आलू में पानी लगाने खेत पर चला गया। उसके जाने के बाद गांव में थ्रेसर लेकर करब कूटने वाला आ गया। उसकी पत्नी ने ध्यान नहीं दिया कि शाम को उसने करब में रुपए रखे थे। वो उसी करब की थ्रेसर से कुटाई करने आने लगी। जब करब की कुटाई होने लगी तो 2,500 के नोट टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ने लगे। ग्रामीणों ने रुपयों के टुकड़े हवा में उड़ते देखे तो उन्होंने ट्रैक्टर बंद करवाया। तब तक सभी रुपए टुकड़े टुकड़े हो गए। वही इतनी रकम बर्बाद होने से किसान दंपत्ति के आंसू छलक पड़े।